भूत बिना कैसे मणि परोइए। मनुख कोल बहुत वधिया धरती है, चंगी धरती है, पर बीज नहीं है बोण लई, तो धरती बेमैनी। वधिया तो वधिया, इस कोल बीज है पर धरती नहीं है, तो हथेली ते सरसों थोड़ी जमदी है, सिर्फ कहानियां ही ने भई हथेली ते सरसों जमा दित्ती, हथेली ते नहीं जमदी होंदी। बीज नू फल तक अपने लई जमीन चाहिए, बीज नू फल तक पहुंचने लई जमीन चाहिए, धरती चाहिए। जैसे बिन हर हर जमीन नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए, कुंडी पिन क्या गंठ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। पिता तो बिना कोई मां मां नहीं हो सकती, और मां तो बिना कोई पिता पिता नहीं हो सकता किसी बच्चे का। भगत कबीर। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। साबुन है और अच्छे तो अच्छे वॉशिंग पाउडर होवन, पर पानी नहीं है, बिंब पानी। तो भाई साहब जी कहते ने साबण बेमैने। कबीर, कपड़े की मैल किस तरह निकलेगी। ये चंद मैं थोड़े सामने उदाहरण रखे ने, और ये उदाहरण न्याय शास्त्र दे करता गौतम ने दिते ने। कहते जिथे तक मैं संसार विच देखदा, एक वस्तु दूसरे दे आसरे ते खड़ी है। वो आसरा उस कोल खो लईए, वो कम करनो रह जाती है, नहीं कर सकेगी, खो जाएगी, मिट जाएगी। चाहे सूक्ष्म जगत है चाहे अस्थूल जगत है, एक दूजे दे आसरे नाल चल रहे है। इस दी इन्हां ही दलीलां नूं पकड़ के कुछ एक ने कह दिता, शायद फिर परमात्मा नूं भी आसरे दी लोड़ है। तो पता उस उन्होंने की आख्या है नास्तिक लोगां ने, चलो परमात्मा नूं करता मन लैंदे आ, कारण नहीं है, वो कारण नहीं है। और दलील, घड़े दा करता कुमार जरूर है, कारण नहीं है, कारण ते मिट्टी है। फिर नमितो उपादान कारण, चलो मिट्टी भी होवे तां भी कुमार नहीं बना सकदा, घुमदा होया चक चाहीदा है, सोटा चाहिए जिस नाल चक घुमदा है ते घड़े बनदे ने। करता मन लैंदियां गहणियां दा सुनार नूं, पर कारण नहीं है, कारण ते सोना है, पर ना होवे सोना ते किस तरह बनाएगा। ते चलो सोना भी होवे कारण भी होवे तां भी नहीं बना सकेगा अगर औजार नहीं ने, निमित्त उपादान कारण नहीं है। संसार दी इस ढंग दी व्याख्या करदिया करदिया ये विचार परमात्मा तक पहुंचे, और आप सुन के हैरान होवोगे, स्वामी दयानंद जिन्होंने आर्या समाज नूं जन्म दिता, इसे ही शास्त्र तो प्रभावित होके कहिंदा है, ईश्वर ते मादा दोवें अनादि ने, दोवें कट्ठे चले आ रहे ने। जी ईश्वर दा आद लभना औखा है, तो ये जो मादा है इसका भी आद लभना औखा है। भाव जे सुनार दा आद दा पता नहीं चलता, तो सोने दे आद दा भी नहीं पता चलता, ये दोवें कट्ठे चले आ रहे ने। तो इसका मतलब एक नहीं है, दो ने, एक मादा है एक परमात्मा है, एक वस्तुआ ने एक सोना है एक सुनार है, तां गहणिया दी बनतर होई है, तां गहने आलमे वजूद दे चाहे ने। आर्या समाज इस ते खड़ा है, यही कारण है आर्या समाज दे विच कोई गूढ़े भगत रसक पुरुष नहीं पैदा हुए। ये ख्याल ही ऐसा है कि मनुख दे अंदर ईश्वर दी महानता नूं प्रगट ही नहीं आउण देंदा। ऐसा कुमार है परमात्मा, अगर मिट्टी नहीं घूमदा होया चक नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, मुथाज है। और ये मिट्टी ते कुमार दोवें अनादि ने, दोवें आदकाल तो चले आ रहे ने,
स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश दा करता है। इस तरह दे होर कैशो चंद्र इत्यादक इस सोचनी दे जितने पुरश ने कहिंदे ने ईश्वर नूं करता मनदे आ कारण नहीं है। और किधरे किधरे कुछ होर अवतारी पुरशां ने जिस ढंग नाल व्याख्या कीती उस तों भी भरम खड़ा हो जांदा है। जैसे कहिंदे ने एक परमात्मा है, एक माया है, एक खुदा है, एक शैतान है। नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने। सारे गुण खुदा तो आउंदे ने, सारे अवगुण शैतान तो आउंदे ने। फिर ते शैतान दी पूजा करनी चाहिए, क्यों कि शैतान तो जो कुछ आउंदा है अवगुण संसार दे ज्यादा ने, गुण तो बहुत घट ने, बुराइयां तो बहुत ज्यादा ने, नेकियां तो बहुत घट ने। तो फिर तो इंज दिसदा पिया खुदा हार रहा है, शैतान जीत रहा है। फिर तो शायद शैतान ही खुदा है, खुदा कुछ भी नहीं है, शैतान दे सामने कमजोर है। अगर कह दईए नेकियां खुदा तो आ रही ने, बदियां शैतान तो आ रही ने, और शैतान बदियां नू रोक देंदा है, इहदा मतलब खुदा दी खुदाई नू रोक देंदा है, तो फिर तो शैतान बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, फिर तो खुदा कुछ नहीं। ये दुबदा बड़े बड़े पैगंबरी पुरुष, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों च भी क्यों पैदा हो गई? स्वामी दयानंद जैसे तार्किक लोगों च भी किस तरह पैदा हो गई? सिर्फ इत्थों मन लेंदे आ परमात्मा प्रकाश है, तो फिर जिहड़ा ये अंधेरा है इहदे बारे की कहीए? ये अंधेरा की है? मन लेने एक जीवन है परमात्मा, पर यह मौत की है? ये जगत मिटदा होया की है? अगर ये कहिए जगत मिटदा होया रब है, परमात्मा है, उसे दा ही रूप है, तो फिर कहना पड़ेगा एक कबर दे खुदा नू पा रहे हैं, रब नू पा रहे हैं, और की है? ये अर्थ ही जला रहे हैं परमात्मा दी। मर गया परमात्मा, उन्हू मोंडे ते चुक के लै जा रहे हैं। कोई सूरज मिट रहा है, कोई चंद्रमा मिट रहा है, किधर धरती मिट रही है। इस मिटदे हुए तो घबरा के कुछ एक ने कह दिता, शायद जीवन परमात्मा है, मौत शैतान है, माया है। नेकियां ईश्वर तो आ रही ने, बदियां माया करके ने, शैतान करके ने। इस तरीके नाल अगर नाप तोल करना होवे तो बदियां ज्यादा ने, नेकियां बहुत घट ने, अंधेरा बहुत ज्यादा है, रोशनी बहुत घट है। अद्धी जमीन ते तेंज समझ लो अंधेरा रहिंदा ही है, एक पासे रात एक पासे दिन, पर जमीन दे थल्ले भी अंधेरा है, सागर दी गोद दे च भी अंधेरा है, थल्ले चले जाओ तो अंधेरा ही अंधेरा है, और की है? अंधेरा तो बहुत ज्यादा है, रोशनी तो बहुत घट है। तो जे गुणा नू नापोगे तोलोगे तो गुण बहुत घट ने, बहुत घट ने, अवगुण बहुत ज्यादा ने, व्यापक ने, बड़े प्रबल ने, तो फिर किस तरह कहिए? ईश्वर कमजोर है? महात्मा बुद्ध जैसे ने अपने चचेरे बिराई नू साफ उपदेश देंदिया कह दिता सी आनंद नू, बहुत वड्डी भीड़ देच कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। सूत्र इस नू कहिंदे दो शब्दां विच बहुत वड्डी गल कह देनी, आनंद भीड़ तो मुतासर ना होवीं, बहुत वड्डी भीड़ विच कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, पेड़ा चाल आउंदी है, और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी, भाव थोड़े होंदे ने, बहुत थोड़े होंदे ने। तो इसका मतलब है खुदा बहुत थोड़ा है, शैतान बहुत ज्यादा है, माया बड़ी प्रबल है, ईश्वर बहुत छोटा है। हिम्मत कीती है गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने, आप कहने नहीं सब कुछ उसे तो ही है, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाहिन कोय। वो कर्ता भी है, वो कारण भी है।
रोशनी भी उसे तो आउंदी है, अंधेरा भी उसे तो आउंदा है, तंदुरुस्ती भी उसे तो आउंदी है, बनी हुई मर्यादा के मुताबिक बीमारी भी उसे तो ही आउंदी है, जीवन भी उसे तो आउंदा है, मौत भी उसे तो आउंदी है। क्यों? वो कृत नहीं है, सब कुछ दा करता है, जो कुछ भी जगत विच दिखाई दे रहा है, हो रहा है, सब उसे तो, सब को काल, सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। इतनी समझ आंदे हां मनुख दा करतापन मिट जांदा है और मनुख परमात्मा दा रूप हो जांदा है। अगर इतनी समझ आ जाए, अपने आप नू हटा लवे मैं करता नहीं। इसे नू कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, बहुतियां कोल मैला धर्म है ते निर्मल धर्म किस दे कोल आंदा है? तो इत्थे सवाल पैदा होंदा है, धर्म भी मैला होंदा है ते निर्मल होंदा है? जिस ढंग नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शब्द है, इस ढंग नाल ते है, जिवें निर्मल पानी ते मैला पानी, शुद्ध सोना ते खोटा सोना कह देंदे ने, मुलम्मा खोटा। तो एक सोना है, एक खोट है, एक निर्मल जल है, एक मैला है, एक निर्मल धर्म है, एक मलिन धर्म है। केड़ा मलिन धर्म है ते केड़ा निर्मल धर्म है? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते हैं, कर्म करत होवे नहे कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। कर्म ते उसने कीता है, जप कीता है, तप कीता है, दान कीता है, पुन कीता है, नहे कर्म, कर्म नाल अपना संबंध तोड़ लिया, मैंने कीता, मैंने कीता, जप कीता है, मैंने कीता, अगर मैं कीता है तो फिर मैनू फल भी चाहिदा है, और फल दी चाहत ऐसा बोझ बनेगी, मनुख उस फल नाल जुड़िया रह जाएगा, परमात्मा नाल नहीं। उम्मीद है गल दिमाग विच बैठी होगी जरूर। कर्म करत होवे नहे कर्म, मैं एक कर्म कीता है, एक बीज बोया है, एक कर्म कीता है और कीता है फल दे लई, तो मैं जुड़ गया फल दी चाहत नाल, फल नाल ही जुड़ गया। दान कीता, दान दा एक फल अंदर कल्पना कीती किसे सुख दी, तो मैं तो उसे सुख नाल जुड़िया रह गया, परमात्मा नाल ते जुड़िया नहीं। मैं जप कीता, मैं तप कीता, मैं बाणी पढ़ी, बदले च मैं कोई कामना रख ली, मैं तो अपनी कामना नाल जुड़िया रह गया, रब नाल ते जुड़िया ही नहीं। तो साहिब कहिंदे ने मैला धर्म है, अगर ये दान भी है तो मैला है, अगर ये ज्ञान भी है तो मैला है, अगर ये सेवा भी है तो मैली, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। धर्म नो किधरे इतनी सौखी खेड ना समझ लेना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे जे थानू इकट्ठ दिखाई देंदा है, ये धार्मिक होण दी कोशिश करन वालियां दा इकट्ठ है। धार्मिक हो गए ने, ये कुछ लाजमी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है। हो गए होवेगा, कोई एक दो बंदे धार्मिक हो गए होणगे, बाकी धार्मिक होण भी कोशिश पे करदे ने, यतन पे करदे ने। काहू फल की इच्छा नहीं बाँचे। कृष्ण ने ऐलानिया कह दिता सी अर्जन नो, ए अर्जन तू कर्म कर, फल मेरे ते रहन दे, तू फल दी चिंता ना कर। इसनु शेख सादी कहंदे ने, नेकी कुनबा चाह अंदाख्त, करने की शुभ कम कर लेकिन फल खूच सुट दे। नेकी कुन बचा अंदाख्त, शुभ कम कर फल दी इच्छा खूह दे सुट दे। अगर तू फल दी इच्छा रख ली तो फिर फल नाल जुड़िया रह जाएगा, खुदा नाल नहीं। बस फल दी इच्छा दा त्याग कर दे, और ये इच्छा अगर तू खुदा दे भी रखी है तो खुदा भी एक फल है, इसनों भी थोड़ा जहा जानना। अगर मैं एक शुभ कर्म कर रहा तो इस देच भी है कि मैनू ईश्वर मिले,
ईश्वर एक रस है, ईश्वर एक आनंद है, ईश्वर एक शक्ति है, ईश्वर मेरा एक भविष्य है, ईश्वर एक खेड़ा है, ईश्वर एक खुशी है। अगर ऐसा मैं कर्म करा तो दृष्टि मेरी फलते होवे तो मैं पूरी लीनता नाल एकाग्रता नाल कर्म कर नहीं सकांगा। बस फल दी इच्छा कर्म दे च एकाग्र नहीं आउण देंदी। इस वास्ते कहने ने खुदा दी चाहत परमात्मा दी चाहत भी उदों संसार बन जांदी है जद कर्म करदे आ मनुख कर्म दे च लीन नहीं होया, फल दी चाहत विच लीन हो रहा है, वो कर्म संसारी हो जांदा है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। इसनों समझ तवरेज कहते ने तर्क बतर्क त्याग कीता है, उन त्याग दा भी त्याग कर हद हो गई। त्याग दा त्याग एक ही तू त्याग कीता है, समा कड़िया है, दान कीता है, पुन कीता है, बहुत कुछ कीता है, उन त्याग दा भी त्याग कर। त्याग दा त्याग की है, जो कुछ मैं कीता उसका जो फल है उन उसका भी त्याग कर।